नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का शेयर आज के दिन यानी 14 मई को 1 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की बात की जाए तो यह टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2004 को हुई थी, यानी कि 16 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे अनिल अंबानी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रोडक्ट्स की बात की जाए, जो यह प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है वे है मोबाइल टेलीफोनी, वायरलेस इंटरनेट, डेटा टेलीविजन। सर्विसेज की बात की जाए, जो यह सर्विसेज प्रोवाइड करता है वे इंटरनेट सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, क्लाउड नेटवर्किंग, डेटा सेंटर सर्विसेज, एंटरप्राइज वॉइस, क्लाउड टेलीफोनी, कॉर्पोरेशन सर्विसेज, होलसेल वॉइस, वैल्यू एडेड सर्विसेज। मेंबर्स की बात की जाए तो इसमें 14,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। और दोस्तों डिविजन्स की बात की जाए तो जो इसका डिविजन्स है वो है मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, टेलीविजन, एंटरप्राइज। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो ये आरकॉम है वो 2G 3G डेटा सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, वॉइस कॉलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आरकॉम ने अपना जो टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस है उसको 2019 में बंद कर दिया है और बैंकरप्सी के लिए फाइल किया हुआ है, अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो दोस्तों उस बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में कोई ना कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी इस बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में भाग लेकर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को टेक ओवर कर सकती है आने वाले समय में। और जहां तक 90% के चांसेस हैं तो मुकेश अंबानी जी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको जरूर टेक ओवर कर लेगी और इसका विलय दोस्तों रिलायंस जियो के साथ कर दिया जाएगा। जैसे ही रिलायंस कम्युनिकेशंस को दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक ओवर करेगी तो जो भी असेट्स हैं रिलायंस कम्युनिकेशंस के वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में आ जाएगी और रिलायंस जियो के साथ इसका विलय कर दिया जाएगा, जिससे रिलायंस जियो का नेटवर्क और भी बड़ा हो जाएगा आने वाले समय में। तो आने वाला समय दोस्तों उसका काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं। दोस्तों आने वाले समय में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड दोस्तों 5G सर्विसेज भी लॉन्च करेगा, नए नए प्रोडक्ट लेकर आएगा जिससे कस्टमर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि इसने हाई लगाया 2008 में 844.70 रुपए का। तो यहाँ पे दोस्तों काफी सस्ते रेट पर भी मिल रहा है और बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। जैसे ही बैंकरप्सी की जो प्रोसीडिंग है वो पूरी हो जाएगी दोस्तों, इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाई कीजिए, इसकी जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 4 से 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। अगले 4 से 5 सालों में यह स्टॉक दोस्तों 137 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। डिलीवरीज की बात की जाए तो 14 मई को 56% की डिलीवरीज हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास 5.18% की शेयर होल्डिंग है, पब्लिक के पास 94.83% की शेयर होल्डिंग है। तो आने वाले समय में दोस्तों कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक भी कर सकती है हायर प्राइस पर और या फिर मार्केट प्राइस पर परचेज करके प्रमोटर्स जो है अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो आने वाला समय दोस्तों उसका काफी अच्छा रहने वाला है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।